सो ये है हॉपअप के लेटेस्ट TWS हॉपअप एयरडोज D505। सो आज की इस वीडियो में इन्हें डिटेल में रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे। हमेशा की तरह इनकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा, साथ ही इनके वोकल्स, बेस, माइक क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस और फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। वैसे इससे पहले हॉपअप एयरडोज S40 और हॉपअप ग्रैंड प्रो के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उन वीडियोज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इनके एक क्विक अनबॉक्सिंग से। कुछ इस तरह के बॉक्स में आते हैं। बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले हमें मिलती है इसकी केस, उसके नीचे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड, एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल, दो एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स और एक पैराकॉर्ड स्ट्रैप। ये सारा कंटेंट आपको इसके बॉक्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। सो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे काफी कॉम्पैक्ट लगे, मैट फिनिश आपको इस पर मिलेगी तो स्क्रैचेस वगैरह आने की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा रेक्टेंगल शेप के साथ आते हैं जो दिखने में काफी यूनिक लगते हैं। वैसे इनके व्हाइट और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन मुझे काफी पसंद आया। यहाँ फ्रंट की तरफ आपको हॉपअप की ब्रांडिंग, उसके नीचे एक USB टाइप से चार्जिंग पोर्ट, राइट साइड पर यहाँ पर आप इस थ्रेड को हुक कर सकते हो तो हाथ में पकड़ने पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही इसे आप किचन की तरह भी यूज कर सकते हो, तो कुछ डिफरेंट और यूनिक इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात मुझे लगी इसकी डिस्प्ले, जो काफी ब्राइट है। इस पर आप केस की बैटरी परसेंटेज और ईयरबड्स की चार्जिंग इंडिकेशन को देख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें ईयरबड्स की, तो ये भी कॉम्पैक्ट, लाइटवेट और इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं। इनमें आपको स्मॉल साइज के स्टेन्स मिलेंगे, इसकी वजह से इसका वेट भी काफी कम है तो सिक्योरली फिट हो जाते हैं, जिन्हें पहनकर आप रनिंग वगैरह भी इजीली कर सकते हो। सो ओवरऑल लुक्स और डिजाइन काफी यूनिक है, साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी इसमें आपको डिसेंट मिल जाएगी। जल्दी से एक बार इनके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। यह 10mm के डायनेमिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, डुअल माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, वॉइस असिस्टेंट, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 40ms की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स विद वॉल्यूम अप डाउन, डिजिटल बैटरी डिस्प्ले, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 90 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 50 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। अब बात करते हैं इसके माइक क्वालिटी की। तो सबसे पहले इसके माइक की ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर हैवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो प्राइस के हिसाब से माइक क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी। इंडोर्स में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आउटडोर्स में थोड़ी बहुत नॉइज आती है बट सामने वाले को आपकी आवाज क्लियरली सुनाई देगी। अगर आप इंडोर्स में ज्यादा कॉलिंग करते हो तो कॉलिंग के टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो 40ms की लेटेंसी को इसमें क्लेम किया गया है, तो देखते हैं एक्चुअल में हमें कितनी लेटेंसी इसमें मिलती है। देखो अगर आपका बजट 1000 रुपीज है और गेमिंग के लिए अंडर 1000 रुपीज में एक लो लेटेंसी वाले TWS चाहते हो तो बिना किसी दिक्कत के इन्हें परचेस कर सकते हो। काफी लो लेटेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही ASC मोड को ऑफ करते हो तो ना के बराबर लेटेंसी इसमें आपको मिलती है, तो गेमिंग के लिए मेरी तरफ से आपको रेकमेंडेड रहेंगे। अब बात करते हैं इसके मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इसके एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले इसके वोकल्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद बेस को। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। अभी आपने इसकी ऑडियो को सुन लिया है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। देखो अभी जो प्राइस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं उस हिसाब से ऑडियो क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलेगी। वोकल्स की क्वालिटी डिसेंट है, क्लियर वोकल्स इसमें आपको सुनाई देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेस मुझे इसके बेस ने किया है, पंची सराउंडिंग बेस इसमें आपको सुनने को मिलेगा। सो इसकी ऑडियो क्वालिटी के ऊपर हॉपअप ने अच्छा काम किया है। अगर आप ज्यादा बेस वाले म्यूजिक सुनते हो तो ये आपके लिए काफी सही रहेंगे। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो सिर्फ 900 रुपये इसकी प्राइस है और लॉन्चिंग प्राइस और भी कम होने वाली है, जिसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो नो डाउट प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन इसमें आपको बेस्ट लेवल का मिलेगा। इसके अलावा गेमिंग के लिए भी एक अच्छे TWS है, इंडोर कॉलिंग के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। साथ ही एक डिजिटल डिस्प्ले इसमें आपको मिलता है और सबसे मेन ऑडियो क्वालिटी भी काफी बेस्ट है। सो डेफिनेटली इस प्राइस में मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड रहेंगे। सो ये थे लेटेस्ट हॉपअप एयरडोज 505। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।